गुड मॉर्निंग एवरीवन. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट किया था. तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100. तो हमें ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कि एक हमें ऐसा एक एग्जांपल देना है जो बाइनोमियल्स का, जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए, एंड और एक मोनोमियल्स का यानी एक एग्जांपल देना है जिसका यानी पावर क्या होना चाहिए, डिग्री 100 होना चाहिए. तो हमें पता है कि बाइनोमियल्स और मोनोमियल्स हम किसको कहते हैं, जिसे कि हमने ऑन द बेस ऑफ टर्म्स के हिसाब से जब हमने पॉलीनोमियल्स को पढ़ा था, तो उस जो सेकंड वीडियो में हमने आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन के जो सेकंड पार्ट में हमने आप लोगों को समझाया था कि मोनोमियल, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स और पॉलीनोमियल्स यानी क्या चीज है, तो मैंने यहाँ पे उसी चीज को यानी रिकैप करते हुए हमने यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट करने के लिए मैंने एक बार फिर से लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोगों को रिमाइंड के लिए यहाँ पे लिखा है साइड पे. अ पॉलीनोमियल हैव टू टर्म्स, जब किसी भी पॉलीनोमियल्स में जब दो टर्म्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल्स कहते हैं. जैसे कि टर्म्स मीन्स जैसे कि 2x प्लस जैसे 1 है, तो इसमें कितना टर्म्स है, दो टर्म्स है, ये एक टर्म्स है और ये एक टर्म्स है. तो आप लोग कह सकते हैं जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसको हम बाइनोमियल्स कहते हैं. और अ पॉलीनोमियल्स हैव वन टर्म्स, वो ऐसा एक वाहिद यानी पॉलीनोमियल्स जिसमें टर्म्स एक ही होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल्स कहते हैं. जैसे कि 2x, या तो हम ये भी बोल सकते हैं 3, ऐसा एक टर्म्स ही होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल्स कहते हैं. तो सबसे पहले हमें बाइनोमियल्स का यानी हमें क्या देना है, एक एग्जांपल देना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस कि जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए. जैसे कि तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखती हूँ. सबसे पहले जो बाइनोमियल्स का मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी, तो डिग्री आप लोगों को पता है, डिग्री हम किसको कहते हैं, DEGREE, डिग्री हम हाईएस्ट पावर को कहते हैं, हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं. तो हमें एक ऐसा एग्जांपल देना है जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है. तो मोनोमियल्स का यानी डिग्री क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए. तो सबसे पहले हम पहला एग्जांपल देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे ऐसा एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, जैसे 4x की 35 प्लस 7 लिखते हूँ. तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4x मीन्स यानी वेरिएबल पार्ट, यानी x की जो कोफिशियंट क्या है, यहाँ पे 4 है, तो इसका जो पावर क्या है, 35 है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अभी द GHEST हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर्स, या हम डिग्री भी लिख सकते हैं, द हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ एक्स इज 35. तो एक्स क्या है हमारा, 35 है. तो क्वेश्चंस के हिसाब से हमें क्या देना है, यहाँ पे बाइनोमियल्स का एक एग्जांपल देना है जिसमें दो टर्म्स होना चाहिए. तो ये है हमारा पहला पार्ट जो बाइनोमियल्स का, और मोनोमियल्स का यानी हमें यानी डिग्री क्या देना है, 100 देना है. तो सेकंड जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल फर्स्ट है, फिर जो एग्जांपल सेकंड, सेकंड हमें देना है मोनोमियल्स का, मोनोमियल्स का हमें एग्जांपल देना है, जैसे कि 2x. आप सिंगल सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं. तो हमें 2x का यानी पावर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए. चाहे तो आप जैसे कि 3, फिर इसके बाद x भी लिख सकते हैं, जिसका पावर क्या लिखना है, हमें 100 देना है. तो इसका जो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इज 100. या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और
पावर ऑफ एक्स इज 100। तो इसलिए ये क्या है, मोनोमियल्स है। तो हमें इसमें क्या क्या दिया था कि क्वेश्चन हमें दिया था कि एक ऐसा एग्जांपल देना है बायनोमल्स का जिसका डिग्री क्या हो 35 हो, और मोनोमियल्स का एक एग्जांपल देना है जिसका डिग्री क्या हो 100 हो। तो मैंने यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, सी यू वेरी सून।